नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। राजर्षि शाहू महाराज ने दलितों, शोषितों और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए दिन रात काम किया। राज्य में पहली बार इन वर्गों के लिए 50% आरक्षण लागू किया। उन्होंने सबके लिए शिक्षा के द्वार खोले, साथ ही उनके लिए छात्रावास भी खोले और शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया। विरोध के बावजूद उन्होंने पिछड़े वर्गों के सार्वभौमिक विकास के लिए कार्य किया। वे बहुजनों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत रहने वाले रयतों के राजा थे। इस आशय के विचार छत्रपति शाहू महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सामाजिक न्याय दिवस कार्यक्रम में पालक मंत्री डॉ. नितिन राउत ने व्यक्त किए। यह कार्यक्रम दीक्षा भूमि के निकट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऑडिटोरियम हॉल में किया गया। कार्यक्रम में दुग्ध व्यवसाय विकास एवं पशुपालन मंत्री सुनील केदार, जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, विधायक एडवोकेट अभिजीत वंजारी, संभाग आयुक्त डॉक्टर माधवी खोड़े चौरे, कलेक्टर आर विमला, जिला पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर, प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर कमल किशोर फुटाने, समाज कल्याण अध्यक्ष निमावली माटे, क्षेत्रीय उपायुक्त समाज कल्याण डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ मौजूद थे। डॉक्टर नितिन राउत ने कहा कि रैयतों के राजा, सामाजिक न्याय के अग्रदूत, बहुजनों के महान नायक राजर्षि शाहू महाराज की जयंती हर साल सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाई जाती है। नागपुर शहर में मेट्रो परियोजना को लागू करते हुए महामेट्रो ने संपत्ति विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के अनुरूप स्टेशन पर व्यावसायिक कार्यों के लिए जगह प्रदान की है। इसी तरह कुछ मेट्रो स्टेशनों पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी स्थापित किए गए हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रतिनिधियों ने रविवार को मेट्रो स्टेशनों का दौरा किया और व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध स्थानों के बारे में जानकारी ली। कैट की 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की बैठक रविवार को महामेट्रो के एयरपोर्ट साउथ मेट्रो स्टेशन के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। बैठक के पहले दिन कैट ने महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित को सम्मानित किया। बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के व्यापारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दूसरे और अंतिम दिन 26 जून को कैट प्रतिनिधियों ने मेट्रो स्टेशनों का दौरा किया। इस दौरे में बैठक के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आए व्यापारियों ने भी भाग लिया। पदाधिकारियों ने महामेट्रो के प्रॉपर्टी डेवलपमेंट विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी ली। महामेट्रो को वरिष्ठ अतिरिक्त महाप्रबंधक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट संदीप बापट ने महामेट्रो की ओर से स्टेशन पर वाणिज्यिक कार्य के लिए स्थान प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों की जानकारी दी। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले सरकारी संस्थानों और शोधकर्ताओं को किसानों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए दुनिया में सबसे अच्छी तकनीक प्रदान करनी चाहिए। हमें इस तकनीक को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। यह कहते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे किसानों की उपज की गुणवत्ता बढ़ेगी, उत्पादन लागत कम होगी, आय बढ़ेगी और निर्यात बढ़ेगा। वे शहर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित रोग मुक्ति नींबू वर्गीय पौधों का निर्माण पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में अनुसंधान संस्था के डॉक्टर घोष, डॉक्टर महापात्रा, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक सी डी माई व अन्य मान्यवर उपस्थित थे। गडकरी ने कहा कि प्रत्येक प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप अनुसंधान होना हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। विदर्भ में गन्ने की संस्कृति नहीं है, किंतु मैंने साहस किया और कारखाने की शुरुआत की। अब जाकर वह कारखाना घाटे से उभरा है। उत्पादन की गुणवत्ता से कोई समझौता न करते हुए नींबू वर्गीय पौधे तैयार करने वाली नर्सरी या पौधों का उत्पादन करे, इस आशय के निर्देश केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों और वैज्ञानिकों को दिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से वार्ड नंबर 12 में कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में उत्कृष्ट सफलता हासिल करने वाले छात्रों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर आरती हुकुमचंद उमरेटकर, धनश्री हरिभाऊ पराते तथा जयश्री हरिपराते सहित कई छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सोनू वर्मा, नागपुर शहर मंत्री प्रभाकर पराते, भास्कर पराते, प्रवीण देव भिसीकर, मुरेश्वर वानखेड़े, राजू सालवे, श्रावण खापेकर, नागेंद्र चौधरी, रजत बोकाड़े, प्रतीक निमजे आदि कार्यकर्तागण मौजूद थे। शहर की अंतर्राष्ट्रीय पावरलिफ्टर अल्फिया शेख ने हाल ही में लाजवाब प्रदर्शन करते हुए मास्टर शेरू स्ट्रांगमैन चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीते। चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। 4 स्वर्ण पदकों के अलावा अल्फिया रजत पदक जीतने में भी सफल रही। बेंच प्रेस, हैमर, मॉन्स्टर और लॉन्ग लिफ्ट श्रेणी में अल्फिया ने स्वर्णिम सफलता हासिल की। ओपन डेडलिफ्ट श्रेणी में उन्हें रजत पदक से ही संतुष्ट होना पड़ा। प्रतियोगिता के दौरान अल्फिया ने 3 लॉन्ग लिफ्ट, मॉन्स्टर और हैमर श्रेणी में 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज किए। पूर्व महापौर संदीप जोशी ने इस उपलब्धि पर अल्फिया का सत्कार किया। खासदार क्रीडा महोत्सव के दौरान भी महान क्रिकेटर कपिल देव तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अल्फिया को क्रीडा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था।
जिले में रविवार को 58 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें शहर के 30 मरीज तथा नागपुर ग्रामीण के 28 मरीजों का समावेश है। जिले में 70 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिनमें 42 शहरी 28 ग्रामीण मरीजों का समावेश है। एक दिन में 2189 सैंपलों की जांच में 58 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब शहर में 298 एक्टिव केसेस शेष है। जिले में मौजूद 296 एक्टिव केसेस में नागपुर शहर के 186 केसेस व नागपुर ग्रामीण के 112 केसेस का समावेश है, जबकि नागपुर जिले के बाहर का कोई एक्टिव केस शहर में नहीं है। इसी प्रकार अभी तक जिले में 5,68,000 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है और स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। इनमें नागपुर शहर के 3,93,000 मरीज, ग्रामीण अंचल के 1,67,000 मरीज तथा नागपुर जिले के बाहर के 8,000 मरीजों का समावेश है। नागपुर जिले में अभी तक 5,78,000 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें शहर के 4,00,000 पॉजिटिव, ग्रामीण अंचल में 1,68,000 पॉजिटिव तथा नागपुर जिले के बाहर के 10,000 पॉजिटिव मरीजों का समावेश है। नागपुर मेट्रो के जरिए यातायात करने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यात्री सेवा के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर रविवार 26 जून को यात्रियों की संख्या 65,000 से अधिक पहुंच गई। यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए महामेट्रो द्वारा विविध प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका यह परिणाम है। इससे पहले 26 जनवरी 2022 को मेट्रो में यात्रा करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा 60,000 तक पहुंची थी। मेट्रो रेल के प्रति नागरिकों का बढ़ रहा रुझान इस बात का संकेत दे रहा है कि अधिक से अधिक नागरिक यात्रा के लिए मेट्रो को पसंद कर रहे हैं। यह महामेट्रो की टीम की मेहनत का नतीजा है। नागपुर के लोगों को सबसे अच्छी सेवा मिले और इसका पूरा लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए महामेट्रो ने लगातार कई उपक्रम संचालित किए हैं। महामेट्रो ने प्रत्येक स्टेशन से लास्ट माइल और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के तहत फीडर सर्विस मुहैया कराई है। इसके तहत यात्रियों को साइकिल, ई साइकिल, ई स्कूटर, ई रिक्शा जैसे विकल्प दिए गए। इस सुविधा से सभी यात्रियों, विशेषकर मिहान क्षेत्र में कार्यरत और हिंगना क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को लाभ हुआ है। कैंसर मुक्त महाराष्ट्र अभियान के अंतर्गत भाजपा जैन प्रकोष्ठ महाराष्ट्र के सहकार्य से प्रदेश प्रमुख संदीप भंडारी के नेतृत्व में मुक्त कैंसर जांच शिविर का उद्घाटन रविवार 26 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हस्ते किया गया। समारोह में गडकरी का शॉल, स्मृति चिन्ह एवं जैन दुपट्टा देकर सत्कार किया गया। कार्यक्रम में मनीष मेहता, संतोष पिंडारी, प्रशांत मालेकर जैन, दिनेश सावलकर, अभय कुमार पनवेलकर, दिलीप राखे, नितिन नखाते, हरीश जैन ने गडकरी का सत्कार किया। भाजपा शहर अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके के मार्गदर्शन में कैंसर मुक्त महाराष्ट्र अभियान जन जागृति कार्यक्रम भाजपा शहर कार्यालय मंगलम गणेशपेठ नागपुर में आयोजित किया, जिसमें विधायक कृष्णा खोपड़े, विकास कुंभारे, अर्चना डेहनकर, सुनील मित्रा, राम अंबुलकर, भाजपा जैन प्रकोष्ठ महाराष्ट्र के प्रदेश महासचिव प्रशांत मानेकर, महिला आघाड़ी शहर अध्यक्ष नीता ठाकरे, पूर्व उपमहापौर मनीषा कोठे, प्रदेश समन्वयक डॉक्टर योगेश पाटनी, शीतल खाबिया, जिला प्रमुख सुनील पिंडारी, शहर प्रमुख मनोज गिल्लरकर, महिला जैन विंग प्रमुख एडवोकेट प्रीति रांका, बाला विटालकर, भाजपा एनजीओ आघाड़ी शहर उपाध्यक्ष दिनेश सावलकर, सतीश पेंडारी, पंकज बोरा, दीपक जैन, प्रफुल्ल मोदी का स्वागत किया गया। प्रशांत मानेकर ने विविध स्थानों पर आगामी दिनों में आयोजित होने वाले जांच शिविरों के बारे में जानकारी दी। 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम हाल ही में जारी किए गए हैं और रामटेक तालुका के कई छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त करके सफलता हासिल की है। ऐसे छात्रों को 1 जुलाई को नमो नमो मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय हटवार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अभिनंदन समारोह का आयोजन 1 जुलाई को शाम 5 बजे रामटेक शहर के शांति मंगल कार्यालय में होने वाला है। समारोह से पहले उपजिला अस्पताल में मरीजों में फल बांटे जाएंगे और पौधारोपण कार्यक्रम भी होगा। यह बात नमो नमो मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय हटवार ने रविवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जानकारी देते हुए कही। इस अवसर पर महाराष्ट्र यूनिट के उपाध्यक्ष राजेश ढांडे, परमात्मा एक संस्था के लक्ष्मण राव मेहर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अजय खेलगरकर मौजूद थे। संभागायुक्त माधवी खोड़े, जिलाधिकारी आर विमला, राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति संजय दुधे, नागपुर जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विजय मगर, आदिवासी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं पूर्व जिलाधिकारी रविन्द्र ठाकरे, महाज्योति निदेशक प्रदीप कुमार डांगे, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, कमल किशोर फुटाने, संभागीय कार्यपालक समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़, तहसीलदार बालासाहेब मस्के, पुलिस निरीक्षक प्रमोद मकेश्वर आदि मान्यवर कार्यक्रम में उपस्थित होंगे।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को नागपुर में मॉइल भवन का दौरा किया और कामगार स्नेह मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गडकरी ने मॉइल कर्मचारियों के बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि कंपनी को देश में मैग्नीज के आयात को कम करने के लिए एवं उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। केंद्र सरकार ने 1 नवंबर 2021 को मॉइल कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन को मंजूरी दी। इससे 5,000 से अधिक श्रमिकों को लाभ हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन सभी ट्रेड यूनियनों द्वारा वेतन में सुधार लाने के लिए गडकरी को धन्यवाद देने हेतु किया गया था। इस कार्यक्रम में कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशक ने भाग लिया। उन्होंने हमेशा कंपनी के साथ बने रहने के लिए गडकरी का आभार माना। कार्यक्रम का समापन कंपनी की जनशक्ति विकास निदेशक उषा सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। जिले के ग्रामीण भागों के 1,394 परिवारों को उनके हक का घर मिलेगा। रमाई आवास घरकुल योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने इसके वर्ष 2021-22 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उनकी अध्यक्षता में घरकुल निर्माण समिति के माध्यम से पात्र नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। उनके निवास की समस्या का स्थायी हल होगा। इसके तहत भीवापुर के 65, हिंगना के 24, कलमेश्वर के 85, कामठी के 30, काटोल के 80, कुही के 71, मौदा के 48, नागपुर ग्रामीण के 40, नरखेड़ के 160, पारशिवनी के 125, रामटेक के 146, सावनेर के 65 और उमरेट के 55 परिवार लाभान्वित होंगे। इसके अलावा 394 पात्र लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची को भी मंजूरी दी गई है, जिन्हें वित्त वर्ष 2022-23 की सूची में शामिल करने की जानकारी दी गई। पटना तथा बनारस की ओर जाने वाली ट्रेनों में क्षमता से दोगुनी यात्री सफर कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि अब सेंट्रल रेलवे प्रशासन की तरफ से दिए गए आंकड़ों में हो गई है। चूंकि बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए भीड़ के आंकड़ों के उजागर होने से रेल मंत्रालय पर नई ट्रेन चलाने के लिए दबाव बढ़ जाएगा। दरअसल ZRUCC के एक सदस्य को भेजे पत्र में रेलवे प्रशासन की तरफ से बताया गया कि 4 जोड़ी गाड़ियां बनारस के लिए वाया नागपुर चलाई जा रही है। इन ट्रेनों में 1 अक्टूबर 21 से 31 मार्च 2022 तक यूटिलाइजेशन प्रतिशत का आंकड़ा उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार सिकंदराबाद दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में क्रमशः 162% एवं 178% ऑक्यूपेंसी है। इसी प्रकार रामेश्वरम बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस में क्रमशः 158% एवं 138% ऑक्यूपेंसी है। इसी तरह एर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस में क्रमशः 165% एवं 189% ऑक्यूपेंसी है। गंगा कावेरी एक्सप्रेस में क्रमशः 154% एवं 141% ऑक्यूपेंसी है। इन आंकड़ों के आधार पर रेलवे के संबंधित जोनल कार्यालय ने यह स्वीकार कर लिया है कि पटना और बनारस रूट पर भीड़ को देखते हुए एक नई ट्रेन चलाने की सख्त जरूरत है। कोरोना के कारण 2 साल बाद होने वाली पंढरपुर यात्रा के लिए एसटी के नागपुर विभाग से अतिरिक्त 100 बसें चलाई जाएगी। आषाढ़ी एकादशी के उपलक्ष्य में विठल विठल जप करते हुए लाखों भक्त पंढरपुर जाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण बीते 2 सालों से पंढरपुर यात्रा बंद थी, लेकिन अब इस यात्रा का आयोजन फिर से किया जा रहा है। यह बसें 6 से 14 जुलाई के बीच चलाई जाएगी। नागपुर से प्रस्थान करने वाली यात्रा बसें नागपुर कलमनुरी हिंगोली औंधा परभणी और काटोल से पंढरपुर होते हुए यात्रा करेगी। प्रस्थान बसें काटोल कारंजा अमरावती कारंजा लाड़ वाशिम हिंगोली परभणी परली अंबेजोगाई कुर्दवाड़ी से होगी। पंढरपुर यात्रा के लिए जाने वाले 4 श्रद्धालु गणेशपेट बस स्टैंड के साथ साथ उमरेट रामटेक काटोल सावनर से अपना आरक्षण पहले से करा ले, ताकि बस स्टैंड पर भीड़भाड़ से बचा जा सके। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के मंडल नियंत्रक ने भक्तों से पंढरपुर यात्रा विशेष बस सेवा का लाभ उठाने की अपील की है। अपनी नानी और बड़ी बहन के साथ नागपुर पहुंची 14 वर्षीय नाबालिग बालिका स्टेशन से गायब हो गई, लेकिन शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर लोहमार्ग पुलिस ने 24 घंटे के भीतर नाबालिका को सदर परिसर में ढूंढ लिया। जानकारी के अनुसार अशोक चौक निवासी सतिंदर कौर अपनी बेटियों 16 वर्षीय रिंकी और 14 वर्षीय संगीत के साथ उत्तराखंड में आयोजित समाज के हिमकुंड कार्यक्रम में शामिल होकर ट्रेन नंबर 12227 से लौटी थी। उनके साथ उनकी नानी भी थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म 2 पर आई। नागपुर पहुंचने पर नानी और रिंकी दुर्ग जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए, जबकि सतिंदर और संगीत को प्लेटफॉर्म 2 से 1 की ओर आना था, लेकिन इसी बीच संगीत कहीं गायब हो गई। परेशान सतिंदर ने अपने परिवार और रिश्तेदारों को जानकारी दी। काफी तलाश के बाद जब संगीत नहीं मिली तो GRP थाने में गुमशुदा की शिकायत दर्ज कराई गई। बालिका नाबालिग होने से GRP ने मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया और तुरंत तलाश शुरू की। CCTV रिकॉर्डिंग और मोबाइल ट्रेसिंग से बच्ची का पता लगाया गया। इस बीच जानकारी मिली कि वह मोहिनी और कमला नामक अपनी 2 सहेलियों के साथ है और महफूज है। इस कार्रवाई के लिए परिजनों ने GRP का आभार माना।
जूनी मंगलवारी ज्ञानेश्वर मंदिर के सामने रोड के निकट एक बड़ा चेम्बर है। कुछ दिन तक रोड पर पानी बहता रहा, बाद में मनपा जोन 6 के उप अभियंता और PWD को इस बारे में बताया गया, लेकिन फिर भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और कार्य पूर्ण होने में विलम्ब होता रहा। कुछ दिन बाद काम चालू हुआ भी, लेकिन धीमी गति के चलते इस मुख्य सड़क में यदि काम समय पर न पूरा हुआ तो सड़क हादसा होने की संभावना भी हो सकती है। आवाजाही करने वालों के मन में डर बरकरार है। अब भी बहुत दिनों का काम बाकी है और यह जरूरी निर्माण कार्य भी धीमी गति से हो रहा है। अतः मनपा के सहायक आयुक्त से समाजसेवी विनोद इंगोले ने मांग करते हुए कहा कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। व्यावसायिक उपयोग के लिए चलाए जाने वाले वाहनों के लिए मालिकों को प्रतिवर्ष वाहन कर भरना होता है, जो RTO विभाग के पास जाता है। नियमों के अनुसार खरबी रोड साई बाबा नगर निवासी चंद्रशेखर खैरकर ने 10 दिसंबर 2021 को एक वर्ष का वाहन कर HDFC बैंक खाते से RTO के SBI ई-पे अकाउंट पर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। ऑनलाइन ट्रांसफर की इस प्रक्रिया के बाद उनके खाते से तो पैसा कट गया, लेकिन RTO के खाते में ट्रांजैक्शन फेल्योर बताने लगा। हालांकि इसके पूर्व भी RTO को ऑनलाइन भुगतान किया गया, किंतु फेल्योर बताने पर उनके खाते से पैसे नहीं काटे गए थे। लेकिन इस लेनदेन में खाते से पैसे तो कट गए, किंतु RTO अधिकारियों के अनुसार विभाग के खाते में निधि जमा नहीं हुई। गड़बड़ी को ठीक कराने के लिए गत 7 माह से RTO के चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है। अतः अब अदालत का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी खैरकर ने दी। खैरकर ने कहा कि बैंक से भी इस लेनदेन के संदर्भ में शिकायत की गई, जिस पर बैंक द्वारा बताया गया कि RTO में भुगतान निधि का रिफंड पाने का कोई तंत्र नहीं है। डायमंड चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से केंद्र सरकार प्रायोजित अल्पसंख्यकों के लिए कार्यान्वित योजना सीखो और कमाओ योजना के प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित किया गया। इस योजना को नागपुर कामठी में जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। 6 माह और 1 वर्षीय चिकित्सा पाठ्यक्रम के प्रात्यक्षिक व लिखित परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले सफल विद्यार्थियों व मेरिट बेस के तकनीकी प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जफर खान ने की। प्रमुख अतिथि के रूप में अब्दुल रऊफ शेख, फजले मोबिन सिद्दीकी और नईम खान प्रमुखता से उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने समयोचित विचार व्यक्त किए। संस्था संचालक जफर अहमद खान ने इस योजना के बारे में बताया कि प्रशिक्षण की भारत सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच निगम के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके तकनीकी प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को इस विशिष्ट कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन और निगरानी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने तकनीकी इंटर्नशिप और सीखने के लिए कुशल युवाओं को जापान भेजने के लिए कई संगठनों को सशक्त बनाया है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3030 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,39,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह जुआ अधिनियम के अंतर्गत 10 मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 34,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 2 मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 12,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड का टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। इंद्रभवन मोठा जैन मंदिर टांगा स्टैंड इतवारी नागपुर में निशुल्क रोग निदान व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 400 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। शिविर की शुरुआत मंगलाचरण, दीप प्रज्वलन, भाजपा शहर अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके, विधायक विकास कुंभारे, महामंत्री राम अम्बुलकर, किशोर पलांदुरकर, उपाध्यक्ष सुमत लल्ला जैन, दशरथ मस्के के हाथों से किया गया। किंग्सवे हॉस्पिटल से डॉक्टर राजन बारोकर, डॉक्टर शैलेंद्र गंजेवार अपनी टीम के साथ उपस्थित थे। शिविर में BMI, BP, SpO2, शुगर, ECG आदि की जांच हुई। डॉक्टर महात्मे नेत्र बैंक आग जांच मोतियाबिंद में 122 लोगों ने लाभ लिया। ब्लड डोनेशन में अर्पित जैन, सुरेंद्र लल्ला, विजय गब्बर, शशांक लल्ला, आकाश, अर्जुन, रावका अनेक लोगों ने अपना योगदान दिया। ब्लड डोनेशन करके जरूरतमंद मरीजों के लिए सेवा कार्य किया गया। साईनाथ ब्लड बैंक टीम का भरपूर सहयोग रहा। शिविर में पधारे अतिथियों एवं डॉक्टरों का सम्मान जैन राजनीतिक चेतना मंच से महामंत्री राजेंद्र धूमल, संगठन मंत्री डॉक्टर चंद्रनाथ भागवतकर, दीपक जवेरी, रोहित शाह, नाना थेरे, राजा कहाते ने किया। इस अवसर पर समाजसेवी सुमत लल्ला जैन को
उनके जन्मदिन पर सम्मानित किया गया और सभी ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।